हेलो दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए तो मेरे चैनल को लाल बटन दबाकर जरूर सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि नोटिफिकेशन के माध्यम से कोई वीडियो आपको जल्दी मिले। तो ये है बिहार पुलिस के लिए, हम आपको जनरल साइंस का जो ये वन लीनियर क्वेश्चन है वो करा रहा हूँ, ठीक है। और जो आपका क्लास है, जैसे कि आपका पार्ट फोर तक आपको अपलोड कर दिया गया है तो उसको देख लीजिए और उसको भी ज़रूर देखिए। वो आपका बेसिक है, बेसिक से है, ज्ञान है उसमें मिलेगा। और इसमें वन लीनियर आपको करा दे रहा हूँ ताकि कोई कहीं से भी क्वेश्चन आए वो छूटे नहीं। तो चलिए वन लीनियर देखेंगे और रोज़ दो चार पेज जो है इसका करेंगे। तो चलिए, ये लगभग 80-100 पेज का है तो आपको रोज़ 5 से 10 पेज करके ख़त्म कर देते हैं इसको, ठीक है। तो चलिए, वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा क्योंकि कंटेंट बनाने में आपको हमारे भी मेहनत लगती है। तो एक लाइक आपके लिए मेरे लिए मोटिवेशन बन जाता है कि आपके लिए वीडियो लाऊं। तो चलिए, आपका पित्त किसके द्वारा पैदा किया जाता है? तो पित्त जो होता है आपको बता दें कि लीवर द्वारा, बाइल डक्ट जो होता है लीवर द्वारा पित्त को बनाया जाता है। पित्त बाइल जमा होता है तो एक पित्ताशय नामक उसमें छोटा सा एक बॉक्स होता है, उसमें पित्ताशय में जमा होता है, ठीक है। स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप सिस्टोलिक एवं डायसिस्टोलिक कितना होता है? तो 120/80, 120 mm होता है सिस्टोलिक और डायस्टोलिक 80 mm होता है। दौड़ लगाते समय मनुष्य का रक्तचाप क्या हो जाता है? बढ़ जाता है, ठीक है। रक्तचाप बढ़ता है क्योंकि हृदय की धड़कन जो होती है दौड़ लगाने के बाद वो तेज हो जाती है, इसीलिए उसका जो रक्तचाप होता है बढ़ जाता है। सामान्य जीवन काल में मनुष्य के हृदय लगभग कितनी बार धड़कता है? तो 2 अरब, ठीक है। और 1 मिनट में जो होता है आपका 72 से 80 बार धड़कता है, ठीक है। और बच्चों में जब बच्चा पैदा लेता है तो उसमें 100 से पार रहता है, 100 से 150 के आसपास में रहता है, ठीक है, क्योंकि वो जल्दी जल्दी सांस लेता है, उस समय उनका धड़कन बहुत तेज होता है, देखिएगा। मानव शरीर में हृदय का कार्य क्या है? पंपिंग स्टेशन की तरह, ठीक है। रक्त में लाल रंग किसके कारण होता है? तो हीमोग्लोबिन के कारण रक्त जो होता है लाल होता है। हीमोग्लोबिन में क्या होता है? तो लोहा होता है, ठीक है। शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है? तो ऑक्सीजन का परिवहन जो होता है, ऑक्सीजन जो जाता है वो ब्लड में उसको पहुंचाना होता है, हीमोग्लोबिन का कार्य है। हीमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक है? तो रेड ब्लड सेल का, ठीक है। रेड ब्लड का जो होगा आपका हीमोग्लोबिन महत्वपूर्ण घटक है। हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है? ऑक्सीजन ले जाना। किसकी सहायता से रक्त द्वारा ऑक्सीजन ले जाया जाता है? तो लोहित कोशिकाएं द्वारा। लोहित कोशिकाएं का मतलब हो गया आपका हीमोग्लोबिन द्वारा, ठीक है। जब कोई बाहरी पदार्थ मानव रुधिर प्रणाली में प्रविष्ट होता है तो प्रतिक्रिया कौन प्रारंभ करता है? तो इन्फेक्शन से जुड़ लड़ता है, WBC व्हाइट ब्लड सेल कहलाता है, ठीक है। और लाल रक्त कणिकाएं RBC कहाँ उत्पन्न होती हैं? तो ये अस्थि मज्जा में होती हैं और WBC भी अस्थि मज्जा में ही होती हैं। किसको RBC का कब्रिस्तान कहा जाता है रेड ब्लड सेल का? तो ये पलिहा को कहा जाता है। मनुष्य का लाल रक्त कोशिकाएं का जीवन काल कितना होता है? तो 120 दिन होता है। पचे हुए भोजन में मौजूद विषैले पदार्थ कौन सा अंग चूषण करता है? तो यकृत करता है। मानव शरीर में लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ होता है? तो अस्थि मज्जा में। और लाल रुधिर कणिकाओं का उत्पादन किसके द्वारा होता है? तो ये भी अस्थि मज्जा द्वारा। उच्च उन्नताश पर मानव शरीर में RBC की संख्या क्या होगी? बढ़ेगी। सफ़ेद रक्त कण WBC का कार्य मुख्य कार्य है रोग प्रतिरोधक क्षमता को धारण करना, ठीक है। मनुष्य में मेरुदंड से कितनी जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती हैं? तो 31। प्रतिवर्ती क्रिया वो का नियंत्रण केंद्र कहाँ स्थित है? तो केशुरक रजू में। असंधारी किसमें यूरिया बनाते हैं? तो यकृत लीवर में। और मानव शरीर में सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो ये O2 ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्रंथि कहा जाता है। मूत्र का रंग किसकी मौजूदगी के कारण पीला होता है? तो ठीक है, वो यूरोक्रोम के कारण। नेक्स्ट देखते हैं, गुर्दे का कार्यात्मक यूनिट क्या है? तो नेफ्रॉन है आपका। किसकी कुसंक्रिया के कारण मानव शरीर में मिक्सडीमा होता है? तो O2 ग्रंथि के कारण, ठीक है, मिक्सडीमा होता है। मानव शरीर के भीतर खून किसकी उपस्थिति के कारण नहीं जमता है? तो हिपैरिन के कारण नहीं जमता है। रुधिर के प्लाज्मा के किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होती है? तो लिम्फोसाइट के, ठीक है। एंटीजन प्रतिजन एक ऐसा पदार्थ है जो प्रतिरक्षी को निर्माण का बढ़ावा देता है। आयोडीन युक्त हार्मोन कौन सा है? तो थायरॉक्सिन। मानव के श्वेत रक्त कणों का व्यास होता है लगभग 0.07 mm, ठीक है। अपोहन का प्रयोग क्रिया किस क्रिया के पूरा करने के लिए किया जाता है? तो अपोहन जो डायलिसिस होता है ब्रिक के
करने के लिए किया जाता है, बायलिसिस दिया है या डायलिसिस होगा, ठीक है। संवेदन किसके लिए महत्वपूर्ण है, तो शरीर के तापमान को नियंत्रित करने के लिए। सामान्यतः निषेचन कहाँ पर होता है, तो ये गर्भाशय में होता है निषेचन, ठीक है। एम्ब्रियोसेंटोसिस का एक तरीका है जो बताता है भ्रूण के लिंग का, ठीक है। और मानव शरीर के में रक्तचाप नियंत्रित होता है अधिवृक्क ग्रंथि द्वारा। जीवन रक्षक हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होता है, तो एड्रिनल से, याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मानव शरीर के किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है, पिट्यूटरी ग्रंथि या ऑटो ग्रंथि को, ठीक है। मनुष्य के शरीर के सबसे छोटी ग्रंथि ही पिट्यूटरी ग्रंथि है। सबसे बड़ा ग्रंथि जो है यकृत होता है, यह भी याद रखिएगा, लीवर, ठीक है। गर्भाशय में शिशु के विकास की जानकारी है तो किसका प्रयोग किया जाता है, तो अल्ट्रासाउंड का। भ्रूण के विकास के लिए किस अंग के द्वारा खाद्य की पूर्ति की जाती है, तो बीजांडासन द्वारा, ठीक है। स्त्रियों की नसबंदी को कहा जाता है इसमें, तो आपको ट्यूबेक्टोमी कहलाता है, ठीक है, ट्यूबेक्टोमी। और गाय और भैंसों के थनों में दूध उतारने के लिए किस हार्मोन की सुई लगाई जाती है, तो ये ऑक्सीटोसिन नामक सुई लगाई जाती है, ठीक है। थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाला अंतःस्रावी हार्मोन कौन सा है, तो TSH। मायोग्लोबिन में कौन सी धातु होता है, तो ये तांबा होता है, ठीक है। एक वयस्क पुरुष के लिए सामान्यतः हीमोग्लोबिन की मात्रा कितना होता है, तो 100 ml रक्त होता है 5 ग्राम, ठीक है। मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है, तो ये आपका 37 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। ये 9 डिग्री सेल्सियस क्या जाने क्या दिया हुआ है, गलत यहाँ पर टाइप हो गया, ठीक है। किस शारीरिक प्रक्रम में प्रोथ्रोम्बिन का संबंध है, प्रोथ्रोम्बिन का संबंध जो है रक्त जमाव से होता है। सब शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथ अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है, तो ऑटो थायराइड। कौन सा हार्मोन लड़ो उड़ो हार्मोन कहलाता है, तो एड्रिनलिन, ठीक है। इंसुलिन एक प्रकार का क्या है, यह भी हार्मोन है। इंसुलिन के कमी या अधिकता का कारण जो होता है शुगर, डायबिटीज हो जाता है, ठीक है। कौन सा पदार्थ मानव शरीर में सबसे अधिक कठोर होता है, तो दंतवलक, ठीक है, दांत का भी हिस्सा जो होता है सबसे अधिक कठोर होता है। किस कोशिका से इंसुलिन स्रावित होता है, तो बीटा कोशिका से। इंसुलिन उत्पादित होता है, तो पेंक्रियाज में, ठीक है। और पैंक्रियाज को आंत बोला जाता है हिंदी में, ठीक है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में सुक्रोज को कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल में ऊर्जा निर्मुक्त होने के साथ पूर्ण रूपांतरण होने को कहते हैं, तो वायुश्वसन। हमारी छोड़ी हुई सांस की हवा में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा लगभग कितनी होती है, तो 4%। हृदय वंचित है, तो एक्छी पेशी से वो वंचित है। मनुष्य में त्वचा किस स्थान पर सबसे अधिक मोटी होती है, तो तलवे में त्वचा अधिक मोटी होती है। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन है, तो फेफड़ा है, ठीक है। मानव त्वचा का रंग देने वाला वर्णक कौन सा है, तो मेलानिन है। कंडरा जोड़ता है, तो पेशी को हड्डी से। ये जो क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन जो है किसी ना किसी एग्जाम में आया हुआ है, तो याद रखिएगा, ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्वेश्चन आएगा तो कहाँ से आएगा, ठीक है, तो आप लोग इसको याद रखिएगा, ठीक है। मानव शरीर में कौन सी ग्रंथि ऐसी है जिसका संबंध शरीर के उत्तेजना से है, तो अधिवृक्क ग्रंथि का। आदमी के कंठ के किस भाग को ऑटो एडेम्पल एम्पल कहा जाता है, तो थायराइड उपास्थि का। और थायराइड जो होता है गला, यह हो गया यहाँ होता है उपास्थि, ठीक है। और मानव का मस्तिष्क लगभग कितने ग्राम का होता है, तो 1350 ग्राम का। और मानव शरीर के सबसे लंबी अस्थि कौन है, उरु अस्थि जो होती है जांघ में होती है। यहाँ पर जांघ है, तो जांघ जो मोटा वाला होता है इसी में उरु अस्थि होती है, उरु हड्डी, ठीक है। मुख्यतः इसकी उपस्थिति के कारण मनुष्य मानव शरीर के उच्च वायुमंडलीय दाब के अंतर्गत भी बिना कुचला रहता है, तो कोशिका में तरल। आँख के रेटिना के परंपरागत कैमरा को निम्नलिखित में किस भाग से तुलना की जा सकती है, तो फिल्म से। रक्त जमने में किस तत्व की मुख्य भूमिका होती है, तो कैल्शियम के, ठीक है। और यहाँ आपका मनुष्य में सामान्यतः निरनन फास्टिंग जो होता है रुधिर शर्करा स्तर फास्टिंग का, यहाँ पर देखिए फास्टिंग का रुधिर शर्करा स्तर जो होता है 100 ml रुधिर होती है, तो 80 से 100 mg, ठीक है। और हर लेबोरेटरी का अलग अलग पैमाना होता है, लेकिन सामान्यतः जो फास्टिंग शुगर होता है आपका बता दे कि 80 से 100 होना चाहिए किसी को नॉर्मल होने के लिए, ठीक है। और ये 3 पेज ख़त्म हुआ, 3 पेज ही रखते हैं, ठीक है। लगभग 10 मिनट का रोज़ वीडियो आएगा, और 3 पेज रोज़ ख़त्म कर देंगे। ये 80 से 100 पेज के बीच में है,
तो ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे, कंटेंट अच्छा लगा हो, क्वेश्चन अच्छा लगा हो, तो आप उसके लिए केवल एक लाइक कर दीजिए और कमेंट में बताइए कि कैसा क्वेश्चन है। और कोई भी क्वेरी है तो कमेंट में बता पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।